बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ईद स्पेशल रेसिपी में लाई हूँ आपके लिए कबाब कीमा फ्राई। इसे कबाब फ्राई भी कहते हैं। कराची की बहुत फेमस डिश है ये, बहुत टेस्टी कीमा बनता है। सो लेट्स सी कि मैंने ये कैसे तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। ये साबुत मसालों में मैंने लिए हैं 4-5 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंगे। ये है सब्जी इलायची 4-5 और ये है दालचीनी के 2 टुकड़े। ये जायफल और जावित्री ली है थोड़ी सी। इन सारे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है और इसे फाइनली पाउडर बना लेना है। ये बीफ का कीमा है 300 ग्राम, आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। इसे मैंने चॉपर में डाल लिया है। अच्छे से इसे हम पीस लेंगे। फाइनली आपने इसे पीसा है। कीमा हमारा अच्छे से पिस गया है और इसमें हम सारे मसाले ऐड करके तो इसे हम मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल फाइन आपने पीसना है ताकि ये पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सा बन जाए। ये हमने डाला 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट करके जो पीसे हैं वो इसमें डाल देते हैं। ये है भुने हुए चनों का पाउडर, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे दही, फेंट के आपने दही डाल लेना है 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें डालेंगे हम हल्दी और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक। ये मीट टेंडराइजर है, 1.5 टीस्पून ये ऐड करेंगे। आप इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। सारे मसालों को कीमे के साथ आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं इसमें। अब हम इसको कोयले का धुआं लगाएंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। एक प्याज लेके मीडियम साइज का 1/2 कप ऑयल में डाल लिया है। ठीक है, इसे हम ब्राउन कर लेते हैं। ऐसे आपने इसे ब्राउन कर लेना है, काला नहीं करना, बस कितना ब्राउन करना है इसमें कीमा ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। हाफ कप इसमें डाल लेते हैं पानी। इसे अब हम ढक के रखेंगे पकने के लिए लो टू मीडियम आंच पे। 30-40 मिनट्स में ये पक जाएगा, बिल्कुल नरम और मुलायम सा तैयार हो जाता है पक्के ये।
नाउ इट्स बीन 30 मिनट्स, तो देखते हैं कीमा हमारा रेडी है कि नहीं। लुक कितना स्मूथली ये पक चुका है, ऑयल भी इसका अलग हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। तीन से चार मिनट भूनने के बाद ये हमारा कीमा जो है ये परफेक्टली रेडी हो गया है। एंड यू कैन सी कि कितना ये स्मूथ तैयार हुआ है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारा बहुत मज़ेदार कबाब कीमा फ्राई बनके रेडी है। ज़रूर आप इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।